प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास विषय लेकर एमए करने वाले विद्यार्थियों के लिए इतिहास दर्शन का जो प्रश्न पत्र है वह बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे कई नामों से पढ़ाया जाता है, उसमें एक नाम थ्योरी एंड मेथड्स ऑफ हिस्ट्री भी है। आज हम बात करेंगे इतिहास के क्षेत्र की। इस संबंध में शुरुआत अपन कर चुके थे पिछले व्याख्यान में, और आज थोड़ी सी बात परिचय की करके और आगे हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इतिहास के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। स्कोप ऑफ हिस्ट्री, जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास अतीत में घट चुकी घटनाओं का विवरण है। घटनाएं अतीत में ही घटती हैं, और इसका इंसानों से बड़ा गहरा संबंध है। जानवर इतिहास नहीं जानते, उन्हें अतीत की घटनाओं से कोई मतलब नहीं है। उन घटनाओं के विवरण को संजोने से, उनके स्रोत जुटाने से, उनके तथ्य जुटाने से, उनके प्रमाण जुटाने से, उनकी व्याख्या करने से, उनका विश्लेषण करने से, कोई निष्कर्ष निकालने से उन्हें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है। तो कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? एक बात है, वो ये है कि हम एक सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, और आप ये समझ लीजिए कि ये सारी जो कवायद है इतिहास से संबंधित, वो सामाजिक व्यवस्था से ही जुड़ी हुई है। मनुष्य यदि समाज में नहीं रह रहा होता तो वो इतिहास की बात भी नहीं करता। एक अकेला आदमी किससे बात करता, समाज बनता ही नहीं। तो विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से और इतिहास के क्षेत्र को वर्गीकृत किया है, बांटा है। हम कुछ क्षेत्रों की चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। एक बात पहले बता देता हूं मैं कि यह जरूरी नहीं है कि हम किसी एक क्षेत्र की बात दूसरे क्षेत्र में नहीं कर सकते। जब वो बात आएगी, जब इस तरह के उदाहरण आएंगे, तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जैसे इतिहास का क्षेत्र हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र तो है ही, समाज में जो भी घटता है उसका इतिहास से गहरा संबंध है, उससे तो ना है ही नहीं। फिर भी एक क्षेत्र के रूप में जब समाज की बात आएगी तो मैं बताऊंगा उस बारे में भी आपको। पहली बात तो यह है कि इतिहास का क्षेत्र है राजनीति। इंसान ने समाज बनाया, समाज बनाने के बाद में एक व्यवस्था बनाई कि लोग किस तरह से नियमों में बंद कर रहे हैं, और उनमें से नियमों का एक समूह राजनीतिक नियम है। कौन शासन करेगा, कौन शासित होगा, किन नियमों के तहत शासन करेगा, किन नियमों के तहत लोग शासित होंगे। तो आप ये देखिए कि लोगों की सामान्य रुचि भी राजनीति में रहती है।
हमारे देश की पिछले 100 सालों की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1947 में हमारा अंग्रेजों से आजाद हो जाना है, और उसके पहले के 100 सालों की कोई बड़ी घटना देखेंगे तो आपको 1857 की क्रांति दिखाई देगी। बेशक उसकी अनेक व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक विषय तो वहां भी था। अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे और हम चाहते थे कि हम पर हमारे लोग शासन करें। इन राजनीतिक घटनाओं का व्यक्ति के जीवन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और व्यक्ति के जीवन पर फर्क पड़ने वाली वे घटनाएं जिनका राजनीति से संबंध होता है उसका अध्ययन इतिहासकार करते हैं। ऐसा क्यों है कि लोगों की रुचि राजनीति में रहती है, राजनीतिक इतिहास में रहती है? इसलिए कि लोग उसके भाग होते हैं, लोगों की भूमिका होती है इसमें। लोग वोट देते हैं तो वो ये सोचते हैं कि वही जीते जिसे मैंने वोट दिया, और जैसे ही कोई दूसरा जीतता है जिसको उसने वोट दिया हुआ नहीं होता है तो, और वो शासन करता है, तो एक दृष्टि ऐसी बनती है कि वो कहाँ चूक करता है, कहाँ गलती करता है, उसको देखा जाए, उसको दर्ज किया जाए, उसको सावचेत भी किया जाए। यही बात जब विस्तार पालेगी तो इतिहासकारों के पास चली जाएगी भविष्य में, और वो अपने अपने हिसाब से मूल्यांकन करेंगे। जैसे आप महाभारत के युद्ध पर आ जाइए। महाभारत भारतीय ज्ञान का महाकोश है। ऐसा कोई विषय नहीं है जो आपको महाभारत में नहीं मिलेगा, लेकिन आप इतिहास के बड़े से बड़े विद्वान से पूछ लीजिए और आप एक सामान्य से व्यक्ति से पूछ लीजिए कि महाभारत क्यों हुआ। कहेंगे साहब जमीन की लड़ाई थी, शासन की लड़ाई थी। तो राजनीति अलग नहीं है इतिहास से। उसके आगे आ जाइए, उसके आगे जब आप आते हैं कोई बड़ी घटना देखना चाहें महाभारत के बाद की, तो भारत पर सिकंदर का आक्रमण और उसी कालखंड में नंदों का पतन और मौर्यों का उद्भव, पूरे देश की दिशा बदल गई। और आगे आइए, मौर्य काल में ही रहिए, अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद राजनीति में बौद्ध धर्म का एक तरह से समावेश ही कर दिया था कि उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर शासन होगा। जिन लोगों को शासन में विशेषाधिकार चाहिए थे वे जरूर बौद्ध बने होंगे, बने थे, इतिहास में ये होंगे, अच्छा नहीं माना जाता बोलना। तो उसके आगे आ जाइए, महमूद गजनवी के भारत पर हमले, और उसके भी पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का हमला, और उसके बाद 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गोरी से हार जाना। राजनीति से इतिहास को कहां अलग करो? कुतुबुद्दीन ऐबक को वो यहां छोड़ गया, और उसके बाद में भारत का राजनीतिक भविष्य ही बदल गया।
सांस्कृतिक भविष्य बदल गया, अनेक चुनौतियां यहां के समाज के सामने खड़ी हो गई। इतिहासकार उनका अध्ययन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जरूर करेगा। यदि नेपोलियन नहीं आया होता फ्रांस में, तो वहां के समाज की दिशा दूसरी होती। यदि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि में जर्मनी का पतन नहीं हुआ होता, तो हिटलर भी नहीं आता। तो ये जो राजनीति का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र को केंद्र में रखते हुए इतिहास का अध्ययन किया जाता है। राजनीति से जुड़ा हुआ ही हमारा संविधान है, जिन नियमों के तहत समाज शासित होता है वे नियम, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके इतिहास की भी अपनी गति है। किस तरह से धीरे 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 नियमों में परिवर्तन होता चला गया, और ये जो विदेशी विद्वान हैं उन्होंने ये विभाजन ज्यादा किए इतिहास के क्षेत्र के। जीएन क्लार्क ने कहा कि संस्थाओं का जो इतिहास है वो अध्ययन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। जब हम एक क्षेत्र की बात करते हैं ना, तो फिर बस दूसरे क्षेत्र की बात फिर पीछे चली जाती है। और जैसे हेलम, कार्निवाल, लेविस, अर्सकिन, मैटलैंड, इन लोगों ने तो संवैधानिक इतिहास लिखा अलग से। और जब हम अपने देश की बात करें तो मनुस्मृति और दूसरी भी स्मृतियां, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये जो ग्रंथ है वो एक तरह से नियमों के ग्रंथ ही तो हैं। तो ये हमें देखना होगा। जब आप मान लीजिए कि भारत में आप कानून पढ़ते हैं, आप हिंदू लॉ पढ़ते हैं, तो हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो पढ़ते 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 आप बहुत पीछे चले जाएंगे, और वही नियम कायदे कानून आपको देखने पड़ेंगे, उत्तराधिकार के नियम आदि आदि होगा। और विश्व इतिहास की बात करें तो नेपोलियन ने बनाया था कोड, संहिता बनाई थी उसने अपनी, और वो खुद कहता था कि मेरा यदि इतिहास में कोई योगदान कभी लिखा जाएगा तो इसी रूप में लिखा जाएगा कि मैंने एक कोड बनाया था। इस तरह से हमें देखना चाहिए। खैर, और फिर और यदि आप इसका अध्ययन करना चाहें ज्यादा, तो जो एक विद्वान हुए हैं काणे साहब, पीबी काणे, उनकी पूरी श्रृंखला है धर्मशास्त्र के इतिहास पर, उसको देखिए। फिर एक क्षेत्र हो सकता है आर्थिक क्षेत्र। अब आधुनिक इतिहास के विद्वान ये कहते हैं कि आधुनिक काल में इतिहास को आर्थिक दृष्टिकोण से देखने का काम कार्ल मार्क्स के दिए हुए सिद्धांतों के बाद हुआ, उनका ऐसा कहना है। और मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाकर आपको बताऊं, थोड़ा पीछे नहीं बहुत पीछे, ईसा के आपको मैं यदि 300 साल पहले ले जाता हूं, लगभग 300 साल पहले, तो मौर्य काल में एक विद्वान हुए हैं, एक कूटनीतिज्ञ हुए हैं, एक राजा के प्रधानमंत्री हुए हैं, नाम आपने सुना होगा चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चाणक्य की किताब
अर्थशास्त्र। अब यदि अर्थ अब केंद्र में आया है कार्ल मार्क्स के बाद में, तो चाणक्य महोदय क्या करके गए हैं? ठीक है, वो इतिहास राजनीतिक व्यवस्था का इतिहास है, लेकिन व्यवस्था में भी तो हम संवैधानिक व्यवस्था की बात ही तो कर रहे हैं। तो वो उस संवैधानिक व्यवस्था में अर्थ बहुत मायने रखता था हर युग में। तो हम तो उस समय से हमारे पास ये तो प्रमाण है अभी तो चाणक्य का अर्थशास्त्र। तो उस अर्थशास्त्र के प्रकाश में भी भले ही वो राजनीति विज्ञान का ग्रंथ हो, लेकिन उस जमाने में यदि अर्थशास्त्र नाम नहीं रखा जाता तो हमें कैसे पता चलता कि अर्थ केंद्र में था व्यवस्था के। तो इस रूप में आपको देखना चाहिए। और फिर लोग कहते हैं साहब ये जो आर्थिक इतिहास है ना, ये आर्थिक इतिहास आधुनिक काल में बैंकें बनने से आया। बैंकों का इतिहास पढ़ो, आपको आर्थिक इतिहास पढ़ना हो तो। हम कहते हैं भाई प्राचीन भारत में जाइए, हमें व्यापारियों की श्रेणियां मिलेगी, कारीगरों की श्रेणियां मिलेगी, उनके संगठन है, और वो ऐसे लोगों के संगठन है जो आर्थिक व्यवस्था के आधार पर, अपने आजीविका के आधार पर और एक बने हुए हैं, साथ काम कर